हेलो फ्रेंड्स, ये वाली रीडिंग जो है वो मैं हिंदी में बनाने जा रही हूँ। और आज का जो क्वेश्चन है कि क्या आपका जो पार्टनर है वो आपसे क्या कहना चाहता है, और सॉन्ग लेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम वही दे लेते हैं मैसेजेस, बट लेट मी शो यू द ऑप्शंस फर्स्ट। सो फर्स्ट ऑप्शन दैट यू हैव दैट इज़ लाइक दिस ग्रीन कलर, एंड द सेकेंड ऑप्शन वी हैव दिस पिंक कलर। सो choose any one option, right? So let me start with the very first option if you choose the green one. तो हम पहले यही निकाल लेते हैं आपके बंदा जो है वो आपको क्या मैसेज देना चाहता है, कहना चाहता है, वो हम निकाल लेते हैं। सारे के सारे निकला है, हम तो सिर्फ दो चार लेंगे, इतने नहीं लेंगे। आपका बंदा आपको क्या कहना चाहता है, दो मैसेज आए हैं, हम पढ़ लेते हैं। I can't handle your words right now. I can't ignore the signs I am receiving any longer. तो जो यूनिवर्स है वो इस बंदे को आपसे रिलेटेड कुछ ना कुछ सिग्नल जो है वो भेज रहा है, और ये बंदा शॉक में है कि आखिर ये हो क्या रहा है कि मुझे बार बार ऐसे साइन मिल रहे हैं कि उनको आपकी ही याद आ जाती है घूम फिर के। और ये आपके जो वर्ड्स हैं इस वक्त इस बंदे को आप जो है ना ट्रिगर कर रहे हो, आप उनको उनका कहीं ना कहीं आईना दिखा रहे हो। आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो, जो बात है मुंह पे बोलने वाले ये जो भी है आप बोल रहे हो ना, चाहे वो उस बंदे से मतलब कि आप नॉर्मल भी आप कुछ बोल रहे हो ना, तो वो बात कहीं ना कहीं इस बंदे को ट्रिगर करी जा रही है। तो आपके जो वर्ड्स हैं वो ये बंदा हैंडल नहीं कर पा रहा, आप कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो ये बंदा सुनना नहीं चाहता अपनी लाइफ में, तो वो ट्रिगर हो जाता है। तो हम और दो मैसेजेस निकाल लेते हैं, ये बंदा आपको क्या कहना चाहता है। ओके, तो हमारे पास जो है तीन कार्ड आ गए हैं, तीनों पढ़ लेते हैं। आई एम नॉट द सेम पर्सन डैट यू रिमेंबर, तो ये बंदा आपको कहना चाहता है कि अब मैं वो पुराने वाला बंदा नहीं रहा, ये बंदा इस बंदे ने कुछ ना कुछ चेंज किया अपने अंदर। ये कहता है कि अब मैं वही पुराने वाला जो है पर्सन था वो नहीं रहा, इस बंदे ने कुछ अपने अंदर चेंजेस लाए हो सकते हैं। आई जस्ट हैव टू डू समथिंग एल्स राइट नाउ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इस वक्त इस बंदे को कुछ और करना है अपनी लाइफ में, और वो चाहते हैं कि आप इस बात को समझो अच्छे से, आप इनके साथ कोऑपरेट करें। वो ये बंदा ये सर चाहता है कि ये बंदा अपने अंदर कुछ बदलाव लाना चाहता है या ला रहा है, इसलिए इन्हें कुछ टाइम चाहिए। ये किसी और चीज़ पे फोकस्ड हो सकते हैं, मनी पे या अपने आप पे चेंजेस कुछ कर रहे हैं, कर रहा है ये बंदा। तो वो चाहता है कि आप इस बात को समझो। आई डोंट नो हाउ आई फील एनी मोर, तो ये जो बंदा है ना, ये इसको शायद अब आपके लिए फीलिंग्स जो है ये कुछ फील नहीं कर पा रहा, डिटैचमेंट के मोड में है ये बंदा जो है वो टोटली डिटैच फील कर रहा है आपसे, वो अब कुछ फील नहीं कर पा रहा इस कनेक्शन को लेके। सी कैसे ये जो मैसेजेस हैं वो मैच कर रहे हैं। आई कांट इग्नोर द साइंस आई एम रिसीविंग, इस बंदे को यूनिवर्स तो साइन भेज रहा है, लेकिन वो उसको जो है उन साइंस को, या ऐसा हो सकता है जो यूनिवर्स इस बंदे को इन साइन भेज रहा है कि इसकी जो डेस्टिनी हो सकती है वो कुछ और सकती है, तो ये बंदे को अभी नहीं पता। आप इसे ट्रिगर करते हो, यूनिवर्स भी साइन भेज रहा है इस बंदे को, आपसे रिलेटेड भेज सकता है यूनिवर्स, ठीक है, या इसको किसी चीज़ का चेंज लाना है अपनी लाइफ में, उससे रिलेटेड इसे कुछ सिग्नल मिल रहे हैं कि मुझे इस पाथ पे चलना है, तो यूनिवर्स इसको गाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस बंदे का भी ध्यान जो है वो किसी और चीज़ पे है, और ये बंदा चाहता है कि आप इस बात को समझो। और ये बंदा डिटैच, हाईली डिटैच फील कर रहा है, कुछ फील नहीं कर पा रहा इसका जो मीन्स, अगर ये मनी पे फोकस रहना है ये अभी कुछ और नहीं सोचेगा, ना आपके बारे में ना किसी और के बारे में। तो अगर यूनिवर्स इसको सेल्फ अपने ऊपर काम करने के लिए उकसा रहा है, तो भी ये बंदा सिर्फ अपने ऊपर काम कर रहा है, सेल्फ वर्क कर रहा है, इनर वर्क कर रहा है। ये बंदा जो है वो अभी आप पे ध्यान जो है वो नहीं दे रहा, वो डिटैच फील कर रहा है, वो वाली जो फीलिंग है डिटैच हो चुकी है। तो इस वक्त ये इमोशनल जो है आई एम सॉरी बट नहीं फील कर रहा, और वो चाहता है आपकी समझो, क्योंकि इसका फोकस कहीं और है, और शायद इसकी लाइफ का पर्पस अभी जो है वो किसी और चीज़ पे है, और इसको भी उधर वाली साइड ही जाना है। तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, मैं जानती हूँ आप लोगों को पसंद नहीं आई होगी ये बात कि ये बंदा जो है वो आपको लेके अभी कुछ सोचना नहीं चाहता या डिटैच फील कर रहा है, पर हम
टैरो से कार्ड निकाल लेते हैं कि अगर इस बंदे का आपको लेके करंटली क्या मैसेज ये बंदा आपको देना चाहता है। इस बंदे ने तो सीधा ही बोल दिया है कि भाई मैं अभी डील नहीं करना चाहता और मैं वो पुराने वाला बंदा नहीं रहा। कुछ और कहना चाहता है तुम, आपका जो बंदा है ये बंदा कुछ तो झूठ बोल रहा है। ठीक है, नाइन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, जस्टिस, एट ऑफ कप्स, ठीक है, सिक्स कार्ड्स जो हैं वो आ गए हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये बंदे ने आपको कुछ ना कुछ तो झूठ बोला है किसी बात को लेके, बट आप इनकी डिज़ायर डेफिनेटली हो, बट अभी ये करंटली जो है आपसे डिटैच फील कर रहे हैं। ये इस बंदे की कोई डिज़ायर है जिसको लेके ये बंदा उसी के पीछे भाग रहा है कॉन्टिन्यूसली। ये हो सकता है कि आप जो है वही इस बंदे का सपना है और आपके लिए इस बंदे के दिल में बहुत प्यार है, पर ये उसी कनेक्शन से भाग रहा है। अगर ये झूठ नहीं बोल रहा तो ये भाग रहा है आपके साथ, जो इसका रिलेशन है उससे ये भाग रहा है। तो कुछ बंदों के लिए तो ये है कि ये बंदा जो है झूठ बोलता है, और कुछ लोगों के लिए ये है कि ये जो बंदा है ये इसी कनेक्शन से, इसी सच्चाई से भाग रहा है, ये खुद से भागने की कोशिश कर रहा है। इसमें भी देखो देखो, एट ऑफ कप, वॉकिंग अवे, राइट, तो ये बंदा कहीं ना कहीं भाग रहा है अपने आप से ही। टेन ऑफ कप्स, बट इस बंदे को ये नहीं पता कि यही खुशी का रीज़न है, और लास्ट में जो है जस्टिस, जो सही चीज़ है वही होके रहेगी। यूनिवर्स हमेशा सही का साथ देता है, तो जो राइट है वही होगा लास्ट में, जस्टिस ही होगा, खुशियाँ ही होंगी। लेकिन ये बंदा अभी तो फिलहाल जो है भागने के प्रोसेस में लगा हुआ है। जो यूनिवर्स इसको सिग्नल भेज रहा है जस्टिस, सही स्टेप उठाने की और अपनी लाइफ को इस तरह ब्यूटीफुल बनाने के लिए, वो इस बंदे के पल्ले अभी कुछ नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो ये बंदा है ये अपना ही दिमाग लगा के भाग रहा है। कहते हैं ना दिमाग ज़्यादा बड़ा है, तो वही इस बंदे का कुछ ज़्यादा ही दिमाग जो है बड़ा हो चुका है। चलो एक एडवाइस ले लेते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, एक एडवाइस। एक्सप्रेस योर इंडिविजुअलिटी, अलाउ योर ट्रू सेल्फ टू शाइन बिकॉज यू आर ऑसम। सो यू राइट नाउ, इस वक्त आपको सिर्फ सेल्फ लव की ज़रूरत है, आपको सिर्फ अपने आप से प्यार करने की ज़रूरत है, तो अपनी केयर कीजिए और यू आर ऑसम। आपको इस बात में विश्वास होना चाहिए कि आप जो हैं आप ऑसम हैं, चाहे ये बंदा आपकी तरफ आए ना आए, वो चाहे डिटैच फील करें, आपकी इंडिविजुअल जो पर्सनैलिटी है, आप अपने आप में बेस्ट हो। ठीक है, ये बंदा खुद अपने आप से भाग रहा है, तो ये सब चल रहा है। यूनिवर्स भी इस बंदे को कुछ ना कुछ सिखाने और समझाने की कोशिश कर रहा है, पर ये बंदा सुनना नहीं चाहता, वो अपनी धुन में कहीं और ही मगन मस्त है। ठीक है, तो सॉन्ग ले लेते हैं। सॉन्ग है देखते देखते, आतिफ, आतिफ का सॉन्ग है देखते देखते। तो चलो अब हम पाइल टू की तरफ चलते हैं। अगर आपने जो है पिंक वाला कार्ड ये वाला चूज किया है, तो आपने पाइल नंबर टू चूज किया है, तो मैसेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस देख लिए जाएं। बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं, एक वन बाय वन रीड आउट करेंगे। योर वर्ड्स लिंगर इन माय माइंड, आपकी जो बातें हैं वो इस बंदे के दिमाग में घूमती रहती हैं, गोल 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 गोल। आई हैव थॉट अ लॉट अबाउट यू लेटली, तो सोने से पहले भी और देर देर रातों तक ये बंदा आपके बारे में सोचता रहता है, 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 ये बस बंदा सोचता ही रहता है। आई एम बेटर पर्सन बिकॉज ऑफ यू, तो आपकी वजह से ये फील करता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ आपकी वजह से। ठीक है, I feel badly for the way that I treated you. You did not deserve that. तो ये बंदा ये भी सोचता है कि इस बंदे ने आपके साथ जो है आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया पास्ट में, तो ये डेफिनेटली जानता है कि आप वो डिज़र्व नहीं करते थे जो इस बंदे ने आपको बोला या कहा।
यू इंस्पायर मी, आप किसी ना किसी तरीके से इस बंदे को इंस्पायर करते हो, आप जो है कहते हैं ना किक है इस बंदे के लिए। तो ये तो थे हमारे मैसेजेस, अब हम कुछ टैरो से भी देख लेते हैं, अगर ये बंदा कुछ आपको एडिशनल कुछ कहना चाहता है तो। डेविल, तो ये बंदा तो यू नो नेगेटिव एनर्जी में है, क्योंकि वो सोची जा रहा है सोची जा रहा है, एंग्जाइटी फालतू की लगी जा रहा है, ठीक है। तो वो ही डेविल एनर्जी है कि ये कॉन्टिन्यूसली आपके बारे में सोच रहा है, थोड़ा सा ऑब्सेशन जो है वो इस बंदे को हो रहा है। पाइल वन में क्या था कि वो बंदा टोटली डिटैच फील कर रहा था, लेकिन पाइल टू में क्या है, ये बंदा बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव, बैलेंस नाम की तो चीज़ नहीं रही आजकल, मतलब या तो बंदा ऑब्सेस्ड ही हो जाता है या बंदा डिटैच ही हो जाता है, बीच का बैलेंस कोई फाइंड आउट करने की कोशिश ही नहीं करता आजकल। चलो हम और देख लेते हैं कि ये बंदा जो है आपको क्या कहना चाहता है। तो ये तो जो है ऑब्सेशन जो है ऑब्सेसिव हो चुका है, तो सोची जा रहा है आपके बारे में। एट ऑफ कप ये दिखा रहा है, ये ना अपनी फीलिंग से जो इमोशन इसको फील हो रहे हैं ये उस सबसे भाग रहा है, क्योंकि जो इतने ज़्यादा ये कॉन्टिन्यूसली सोच रहा है वो चीज़ इसको एंगजाइटी दे रही है, डेविल में कन्वर्ट हो रही है, नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये भाग रहा है अपने इमोशनल इमोशन से। सी सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड होता है चीटिंग लाइन्स या फिर रनिंग का, तो ये रनिंग कर रहा है डेफिनेटली, ये आपसे भाग रहा है। ये इंसान अपने ख्यालातों से भाग रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोची जा रहा है, ऑब्सेसिव हो ही जा रहा है। तो ये अभी ये बंदा भाग रहा है क्योंकि वो चीज़ इसको एंजाइटी देने लग गई है इसकी लाइफ में। तो ये अब बस कहता है कि मैं भाग जाऊँ अपने दिमाग के, जो बक बक इसके दिमाग में चल रही है, मैं उससे कहीं ना कहीं भाग जाऊँ। तो अब जो है थ्री कार्ड है, टू ऑफ वैंड्स, सन कार्ड, मून कार्ड, सन और मून दोनों ही आ गए हैं। सी सन और मून इज लाइक दिन और रात, तो ये हो सकता है कि ये बंदा कई बारी ये फील करता है दिन और कई बार फील करता है नाइट। इस बंदे को अपनी सोल की बात सुनने की जरूरत है, कुछ ना कुछ बातें जो इमोशंस हैं वो इस बंदे को तंग कर रही हैं, लेकिन इसे क्लैरिटी चाहिए। तो ये जो आपसे कहना चाहता है कि ये बंदा सर्च करना चाहता है बैलेंस का। एक्चुअली हम सब, ये सिर्फ ये बंदा नहीं, कहीं ना कहीं हम नहीं जानते हैं, पर हम सब जो है वो बैलेंस की तलाश कर रहे हैं, जहाँ पे हम बैलेंस फील कर सकें, ठीक है। तो इस बंदे को अपनी सोल को रिकॉग्नाइज करना है इस वक्त, और अपने जो ओवर इमोशंस जो ये फील कर रहा है, और मेरे को लग रहा है जो अब ये चंद्र ग्रहण और जो सूर्य ग्रहण लगे हैं उसकी वजह से जो है इनर्जी जो है वो अप डाउन हो रही है, अप डाउन, ठीक है। वाइब्रेशंस जो है इस बंदे की, इनर्जी जो है, कभी वो बंदा अच्छा फील करता है, कभी वो बंदा सैड फील करता है, तो उस तरह के जो है मेंटल इल्यूजन्स जो होते हैं हमारे माइंड के साथ वो होते रहते हैं। और टू ऑफ वैंड्स फिर से दिखाता है कि थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन, बट क्योंकि सन कार्ड है, मून कार्ड का मतलब है कंफ्यूजन, हिडन थिंग्स अंडर द सरफेस, कुछ बातें छुपी हुई हैं। और सन का होता है क्लैरिटी, जब तुम्हें पता हो क्या सही है क्या गलत है। तो इस बंदे की लाइफ में ना जैसे तो क्रॉस रोड्स थी कि अब मैं क्या करूं क्या ना करूं, दो रास्ते हैं। तो पहले ये कंफ्यूज था क्योंकि जो ये ग्रहण वगैरह जो लगे हैं, इमोशनल का बैलेंस नहीं था, ऑब्सेशन था, पर धीरे धीरे क्लैरिटी ये बंदा गेन करेगा एंड ये अपनी डिसीजन तब लेगा, ठीक है। तो ये बंदा अब डिसीजन लेना चाहता है फाइनली कि ऐसे या वैसे वाली कंफ्यूजन स्टेट बहुत हो गई, ये बंदा खुद भी कंफ्यूजन स्टेट से उभरना चाहता है और ये विक्ट्री चाहता है किसी ना किसी तरीके की अपनी लाइफ में, जीत चाहता है ये किसी ना किसी तरीके की। और ये डेफिनेटली आपके साथ ही वो चाहता है, क्योंकि इसके नीचे ही हमारे पास सेवन ऑफ वैंड्स है। वो कहीं ना कहीं ये बंदा जो है इस रिलेशन से भाग रहा है, बट उसको सक्सेस भी इसी कनेक्शन में चाहिए और वो भाग भी इसी कनेक्शन से रहा है। सो ये है ड्यूअलिटी। तो अब हम ले लेते हैं एक एडवाइस और सॉन्ग, एंड देन वी रैप इट अप द सिचुएशन। एनी एडवाइस मेरे व्यूअर्स के लिए आ चुकी है एडवाइस, पेशेंस एंड प्लीज, वट यू आर आस्किंग फॉर इज कमिंग अबाउट, हैव पेशेंस, इज देयर एनी अनसीन फैक्टर्स डेट नीड टू अकर फर्स्ट। सो जो भी आप चाहते हो वो आपकी तरफ आ जाएगा,
आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर आपको डेफिनेटली पेशेंस की जरूरत है इस सिचुएशन से डील करने के लिए। सो आप पेशेंस के साथ इस इन हालातों को जीत सकते हैं बेसिकली, राइट। तो सॉन्ग ले लेते हैं फाइल नंबर टू के लिए। सॉन्ग 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 लंबी जुदाई, इमरान हाशमी की किसी मूवी का सॉन्ग है लंबी जुदाई, आप सर्च कर लेना। दूसरा सॉन्ग क्या है, तेरे लिए, आतिफ का सॉन्ग है तेरे लिए। तो ये जो दो सॉन्ग थे वो आपके लिए थे, और आपको अगर रीडिंग पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट में भी बताओ अगर आपको हिंदी में सुननी है रीडिंग या आपको इंग्लिश में पसंद है। ठीक है, बाय।